नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, पूजा हो गई है और मैं मंदिर से भी आ गई थी और फिर चाय वगैरह हो गई है। अरवी मैंने छील के रख ली है, आपने देख ही लिया, कट करके रख ली है। तो आज थोड़ा सा ये लेट जाएंगे ऑफिस, इनका ऑफिस तो है लेकिन थोड़ा सा आज लेट जाएंगे एक घंटा। तो आज बहुत ही टेस्टी सी अरवी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ और अभी ब्लॉग शुरू कर लूँ। और मैं इसीलिए आज थोड़ा सा लेट ही खाना बना रही हूँ। तो लेट बना रही थी तो सोचा क्यों ना आज डिफरेंट सी सब्जी बनाई जाए। सब्जी बना रही हूँ अरवी की, जैसे कि आपने देख ही लिया, लेकिन अलग स्टाइल में। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी थी, सोचा चलिए ब्लॉग शुरू कर ही लेती हूँ। और ये भी ना धो लिया है, पूजा हो गई है, चाय वगैरह हो गई है। अंश अभी नहीं उठा है, वो लेट उठता है जैसे कि आपको पता ही है। और मौसम है बादल वाला, बारिश का नहीं है, बादल का मौसम है। बादल पूरे भरपूर हो रखे हैं, चिड़िया भी बोल रही है सुबह सुबह ना, अच्छा लगता है। बारिश हुई थी कल बहुत ज़ोरदार वाली, कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा कुछ भी। तो आज बारिश तो है नहीं लेकिन बादल है, धूप नहीं है। तो चलिए जी बस शुरू करते हैं, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट को लेट हो जाएगा, पापा को टाइम से ही चाहिए, ये तो थोड़ा लेट जाएंगे। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है, बिल्कुल साफ़ कर लिया है, क्योंकि कटने के बाद ना अरवी में बहुत ही ज़्यादा वाइट पानी निकलता है। और ये सारा निकल गया है, बिल्कुल अच्छे से धुल के इनको मैंने निचोड़ने के लिए रख दिया है, जो इनका पानी है वो नीचे निकल जाएगा। और इसीलिए मैंने इनको इसमें धुला है, बास्केट में या छलनी में, छलनी मैंने नहीं उठाई, बस ये रखी थी तो इसी में धुल लिया। और बस अब तैयारी कर लेते हैं फटाफट से तड़के की, बिना बॉयल की आज बना रही हूँ। हालांकि थोड़ी सी हाथों में खुजली लगी है, क्योंकि अरवी अगर मैं छीलती हूँ, कट करती हूँ तो थोड़ी सी खुजली हो जाती है। सरसों का तेल लगा लेते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा सा तो होता ही है। ज़्यादातर मैं बॉयल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम होती है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ, तो सोचा आज तो जो है कच्ची ही बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है चॉपिंग नए तरीके से हो रही है, प्लेट में ही मैं कट कर रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा बारीक बारीक हो जाएगा। और इसको जो है पेस्ट भी नहीं बनाना है, मतलब पीसना नहीं है मिक्सी में, और फिर मैंने चॉपर भी नहीं उठाया, तो हाथ से ही मैं टमाटर यहाँ पे कट कर रही हूँ। और जो है प्याज वगैरह सब तैयार है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख ली है और उसमें डाला है सरसों का तेल, जो अच्छे से गरम करके थोड़ा ठंडा भी कर लिया है। कलर देखिए वाइट हो गया, नहीं तो येलो कलर का रहता है। और सबसे पहले करना है अरवी को फ्राई। तो जो ऑयल लिया है मैंने हल्का सा ज़्यादा लिया है तड़के से, हालांकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है, जितना डाला है उतना का उतना ही बचने वाला है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन फिर निकालना पड़ेगा, तो इतना मैंने नहीं लिया। बस चलाते हुए इसमें ही मैं इसको फ्राई करूँगी, जैसे हम आलू फ्राई करके बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसको चलाना पड़ेगा, क्योंकि अरवी थोड़ी लेज़ी होती है, लेज़ी होती है ना उनके अंदर, तो इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये चिपक जाएगी। और जो कढ़ाई है स्टील की है, नॉनस्टिक में फिर भी एक बार चल जाता है, नहीं चिपकता है कुछ, लेकिन स्टील में इस तरह से ध्यान देना पड़ता है। तो इसको चलाते हुए मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम पर किया है, लो नहीं किया था। हल्का सा ये सॉफ्ट हो गई हैं, पूरी तरह नहीं गली हैं लेकिन सॉफ्ट हो गई हैं, और कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा, और जो है खुशबू आ रही है एकदम बड़ी ही प्यारी सी, जैसे आलू बॉयल होने की, आलू भुनने की आती है ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो खुशबू अच्छी सी आने लगी थी और इनका कलर भी चेंज हो गया था, तो इनको मैंने निकाल लिया है। सेम मैंने ऑयल कढ़ाई जो का त्यों लिया है, देखिए अभी इसमें ज़्यादा ऑयल डालती तो वो निकालना पड़ता। यहाँ पर मैंने अजवाइन, हींग और प्याज डाल दिया है, आप लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे, तो मैंने नहीं डाला है। हालांकि मैं तो प्याज भी नहीं खा रही हूँ, लेकिन सुबह के टाइम मैं प्याज का खाना बना देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस मैं खाती नहीं हूँ शाम को उस खाने को, क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे हैं, आपको पता ही है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो पहली वीडियो नहीं देख पाते तो वो समझ नहीं पाते हैं इसलिए। तो प्याज हल्की सी गोल्डन हो गई है, फिर मैंने इसमें सूखे मसाले, नॉर्मल जो रूटीन के मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, रेड चिली, तो ये वाले मसाले ऐड करे हैं। और ये टमाटर जो कि फाइन चॉप करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। आँच मैंने यहाँ पर बहुत कम कर दी है इस टाइम पर, क्योंकि टमाटर हमें बिना पानी के ही सॉफ्ट करने हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें तीखी वाली लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि इसमें मैं जो ग्रीन चिली है ना वो नहीं ऐड कर रही हूँ, तो रेड चिली ही मैंने कलर वाली भी और वैसी भी तीखे वाली भी जो दरदरी कुटी हुई होती है वो भी दोनों तरह की ऐड करी हैं। स्पाइसी सी ये सब्ज़ी बनेगी। नमक ऐड कर दिया है इसमें टेस्ट के हिसाब से, और अब इसको जो है कवर करके मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, नमक से जैसे ही हम इसमें डालते हैं ना तो फिर किसी भी सब्ज़ी में मॉइस्चर आ जाता है, और टमाटर में तो अपना ही मॉइस्चर काफ़ी होता है तो वो तो हो ही जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है, बिल्कुल टमाटर ऐसे हो गए हैं जैसे हमने मिक्सी में पीसे हों। तो यहाँ पे मैं गरम मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, किचन किंग मैंने एक चम्मच भर के डाला है। आप गरम मसाले के साथ भी बना सकते हैं किचन किंग अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हैं। गरम मसाले से भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और बस फिर ये अरवी जो रखी थी फ्राई, इसमें मैंने ऐड कर दी है। मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इनके ऊपर कोट हो जाएगा, और बिना पानी की ये सब्जी बनेगी। एक बूंद भी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए मसाला कितने अच्छे से कोट हो गया है। अब मैं इसको मीडियम आंच करके लो ही रखूँगी, नहीं तो फिर वही है जलने का डर रहेगा, क्योंकि पानी इसके अंदर नहीं है। जब तक इसमें कवर से कवर करेंगे तो उससे मॉइस्चर नहीं आ जाता। बीच में इसको एक दो बार चलाना है, और मैंने चलाया भी है। तो यहाँ पे देखिए ये श्रेय चला रहा है, मैंने नहीं चलाया है क्योंकि मैं आटा तैयार कर रही थी, तो श्रेय आके देखने लगा था कि क्या बना है। डिफरेंट बनता है तो बच्चों को भी लगता है कि पता नहीं मम्मी क्या बना रही है, तो उसने इसको चेक किया था, एक बार चला दिया था। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, इस टाइम पे डाल रही हूँ ये ग्रीन चिली और थोड़ा सा नींबू का रस। आपके पास रेडीमेड हो तो आप वो डाल लीजिए, मैंने फ्रेश ही डाल दिया। आधा नींबू मैंने इसमें ऐड करा है, क्योंकि अरवी की जो सब्ज़ी है उसमें नींबू जाता ही जाता है, या फिर आप सामने से डाल के खाएं ऊपर से, या फिर अंदर ही डाल दें, क्योंकि अरवी की सब्ज़ी खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। तो सूखी सब्जी है, ऊपर से नहीं डलेगा, तो मैंने अंदर ही इसमें मिक्स कर दिया है। और ग्रीन चिली साथ में खा सकते हैं, और देखने में भी अच्छी लग रही है, और थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये देखिए भुनी भुनी सूखी अरवी की सब्ज़ी बनके तैयार है। और एक बार इस तरीके से आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आया था, सबने खाया, बहुत ज़्यादा पसंद आया टेस्ट इसका। जो राउंड राउंड शेप होती है वो कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये लंबी वाली बनाई है। और ये लेयर वाले ट्रायंगल पराठे और दही, तो आ जाइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाला खाना।
हाँ जी, आपने देखी हरिद्वार की हल्की सी झलकी कि कैसा माहौल बना हुआ है, क्या नज़ारा है और कितनी रौनक है हरिद्वार में आजकल। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है, अभी तक नहीं मिला है कि मैं जो है आज जाके खुद भी देखा हूँ। मैंने खुद भी नहीं देखा है ये नज़ारा अभी लाइव से। अंश गया था तो वो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके लाया है, क्योंकि वो उधर ट्यूशन जाता है, तो वहाँ से निकलते हुए उसने थोड़ा सा जाके किया है। ऐसे तो नहीं है कि हर जगह ये है, तो ये वही मतलब रास्ता है, वही रोड है जहाँ से कांवड़िया निकलते होंगे, क्योंकि सब जगह नहीं है, अलग अलग इनके रूट बनाए गए हैं, तो एक ही जगह पे मतलब एक ही रास्ते से जाते हैं। तो मेरा अभी तक नहीं हुआ है कि मैं जाके ये हरिद्वार का नज़ारा देख के आऊँ। बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा है आजकल हरिद्वार का, बहुत ही रौनक लगी हुई है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक टाइम नहीं लगा कि मैं लाइव देख लूँ। तो बस श्रेय ने किया, सॉरी अंश ने किया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया, और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हरिद्वार के दर्शन कराइए, क्योंकि आजकल बहुत ही ये पवित्र महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है, और इसमें हरिद्वार का जो लुक भी होता है, नज़ारा भी बोलूं, और जो माहौल है और जो यहाँ पे चहल पहल है, तो बहुत ही अलग होती है। रात दिन का यहाँ पे कुछ पता नहीं लगता, कब रात है कब दिन है, मतलब जहाँ पे मैं बैठी हूँ घर पे ऐसा नहीं है, हर की पौड़ी का जो एरिया है तो रात दिन बराबर चलता है, और कितना अच्छा, कितना शांति, कितना मन लगता है ये सब देखकर। हालांकि भीड़ बहुत है, लेकिन फिर भी मन खुश होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो छोटी सी ये एक क्लिप रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं, दिखाऊंगी अगर हो सका तो। इनकी छुट्टी हो गई तो मैं भी देखने जाऊं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, और आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो कांवड़ ये इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ लेके, बहुत बड़ी बड़ी, लाखों की करोड़ों की भी कांवड़ इस बार आई है। तो ऐसी मतलब क्या श्रद्धा है भोलेनाथ पे, क्या विश्वास है, एक से एक कांवड़ है, जो कि साइकिल पे भी पूरी फैमिली कांवड़ लेके जा रही है, पूरा जो है, बस बोल नहीं सकती हूँ सच में। मुझे देख के इतना लगता है जो लोग करते हैं, तो कितनी श्रद्धा, कितना भाव उनके मन में होगा, भोलेनाथ उनकी हर इच्छा पूरी करे, जिस मनोकामना को लेके वो कांवड़ लेके आते लेने आते हैं, जल उठाते हैं, तो भगवान उनकी सब जो है मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं करने लगी थी कुछ श्रेय से बात, वो कुछ पूछने आया था। तो जी, ये आपने देखा, बताइएगा मुझे कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है इस महीने में। और एक और कमेंट था जिसमें आपने मेरा इतना ध्यान रखा है, थैंक यू सो मच, कितना ध्यान रखते हैं आप। मैंने जो है खाने में अचार लिया, और मुझे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया कि उसमें जो है कलौंजी होती है, दिमाग से निकल गया। वो तो पता है कि कलौंजी अचार में होती है, लेकिन ये नहीं ध्यान आया कि कलौंजी किस चीज़ से बनी है, प्याज से बनी है, तो वो नहीं खाना है। सिर्फ एक दिन मैंने अचार खाया, और वही आपके साथ शेयर किया था उस दिन। तो मैं वैसे भी अचार नहीं ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन हुआ था कि मैं दाल के साथ अचार लूँ, तो इसलिए मैंने खाया। बस ये मन में रहता है ना कि शाम को तो एक टाइम खाना खाते हैं, तो सब कुछ खा सकते हैं, ये है कि नहीं प्याज का तड़का नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लेकिन वो भी प्याज से ही बनी हुई थी, सॉरी। तो अब मुझे याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, बहुत बड़ी गलती है ये मेरी, क्योंकि मैं इतना कष्ट करती हूँ, पूरा मंथ फास्ट रखती हूँ, पूरा दिन भूखी रहती हूँ, शाम में भोजन खाती हूँ, शाम का भी मेरा देखिए अलग ही टाइम होता है, बहुत लेट मुझे खाने को हो जाता है शॉप से आने के बाद। हालांकि फास्ट में जल्दी खाना खाते हैं, लेकिन भगवान जी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि ये नियम है तो आपको यही फॉलो करना होगा, अपने मन से, अपनी श्रद्धा से जो जैसे करते हैं वो सब अच्छा है। अब मेरा मन है कि नहीं मुझे फास्ट तो रखना ही है, तो मैं काम भी नहीं छोड़ सकती हूँ, और भगवान जी ये भी नहीं बोलते हैं कि काम छोड़ो मेरे लिए, तो इसलिए मैं लेट ही खा लेती हूँ। कोई बात नहीं, डेली मुझे फास्ट रखना होता है, लेकिन ये तो नहीं है कि मैं अगले दिन खा रही हूँ, 12 बजे के बाद खा रही हूँ। तो बस फिर मैंने अपने मन को इस तरह से समझाया, और समझाना पड़ता है, कई बार मन में ना दुविधा हो जाती है, कसमकस चलती रहती है, कुछ समझ नहीं आता, फिर अपने आप ही जो है अपने मन को समझाना पड़ता है कई बातों के लिए। तो मैंने इस तरीके से किया, आज तो करीब 7वां 8वां मेरा फास्ट है, 7-8 दिन हो गए हैं। तो
कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दिन में, बस ये है कि रात में खाना ही थोड़ा लेट हो जाता है। तो डेली अपना मंदिर जाके भगवान जी के दर्शन होते हैं, फास्ट रखने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी नहीं होती है ना मुझे कोई ज़्यादा ऐसी भूख महसूस होती है या कुछ होता है, तो आराम से पूरा दिन मैं फास्ट रखती हूँ। बहुत इजली हो रहा है सब कुछ। और फिर जो है आपने देखा ही है, रात में मेरा खाना होता है, बस थोड़ा सा लेट होता है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड, और फिर से थैंक यू सो मच इतना ध्यान रखने के लिए। और मुझसे ना कोई मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो ध्यान रखा कीजिए, इसी तरह से मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। चलिए, तो आपने इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया है, कर लिया है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।